गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हमने आप अपना कोर्स व्याकरण का और सुनहरी दूध का पूरा हो गया है। अब अपने PT1 एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसके लिए हम रिवीजन करेंगे। हाँ, रिवीजन में ऊपर ऊपर से हम बता देंगे आप लोगों को। वैसे सुनहरी दूध में आप लोगों को पूरा याद करना है, है ना, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ जैसे ये सारे हैं ना, ये सारे याद करने हैं। इन पर गोला लगाना है, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं, कविता याद करनी है, कविता ज़रूर याद कर लीजिएगा। 2 लाइन 4 लाइन आ सकती है परीक्षा में, तो कविता याद करने को तो हमने आपको पहले भी बोला था, तो याद कर ली होगी ना कविता, तो वो याद करना है, और शब्दार्थ याद कर लेना है, और सारे क्वेश्चन आंसर इनके याद करना है ना। इसके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक, देखो पार्ट 1 के पूरे लिखा दिए हैं आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे बताना, तो हम फिर आपको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। और देखो ये खाली स्थान है, खाली स्थान याद करना, समानतुक वाले शब्द पूरा, ये इनके मीनिंग लिखना है, शब्द के अर्थ लिखना है, जो शब्दार्थ है ना वही है। ये घोंसला को क्या बोलते हैं, नीड़, माँ को क्या बोलते हैं, जननी, तरु को क्या बोलते हैं, पेड़, इस तरह से ये सब याद कर लेना आपको। पार्ट 1 से लेकर के 4 तक इस तरह से ये याद करना है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में क्या थे ये क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, ये सही विकल्प। पाठ की रीडिंग ज़रूर करना, जब पाठ की रीडिंग करोगे तो अपने से ये सही विकल्प और क्वेश्चन आंसर बहुत सारे अपने से ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सही विकल्प ज़रूर याद कर लेना, कोई सभी कुछ याद करना है आपको, शब्दार्थ। अब लर्न करने का ये पूरा रिटर्न करा दिया, यदि कोई लिखे हुए इसमें क्वेश्चन आंसर में या कोई परेशानी हो आपको, तो हमको बताना, तो हम ज़रूर कराएंगे, हम पूरा करा देंगे उसकी, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन अब आपको केवल याद करने के लिए है, और क्योंकि हमारे PT1 के एग्ज़ाम अब तुरंत ही आने वाले हैं थोड़े दिन बाद, हैं, ये देखो क्वेश्चन आंसर ये सारे हो गए, और ये सही या गलत का निशान लगाओ। जब आप पाठ की रीडिंग करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया था है ना, सही। अध्यापिका जी के हाथ में पेन था, नहीं पेन नहीं था, क्या था, छड़ी थी। सब बच्चों ने चोरी की थी, गलत। किसने चोरी की थी, अमन ने। बच्चों ने खिलौने पाकर अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया, बिल्कुल दिया, खुश हो गए थे बच्चे, और उनने थैंक यू बोला था। अब लिंग तो बदलना आता ही है आप लोगों को, है ना, लिंग है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वचन है, ये तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इनको तो ये चाहे आपके कोर्स में लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। अब क्लास 3 में आ गए आप लोग, तो ये लिंग वचन तो ये आते ही हैं, है ना। जैसे स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग में लिखना है, पुल्लिंग में लिखा है तो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में लिखना है, तो इसमें लिंग बदलना है। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका का, छात्र का छात्रिका, छात्रा, बंदर का बंदरिया, शिष्य का शिष्या, इस तरह से लिंग बदलना है। ये पशु पक्षियों को उनकी बोली से मिलान करना है, है ना, कौन कौन कैसे बोलता है, मुर्गा कुकड़ू को बोलता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, कौआ काँव काँव बोलता है, तोता टैं 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 बोलता है, इस तरह से ये करना है। और वही समान अर्थ वाले मतलब ये पर्यायवाची शब्द हैं, जो पर्यायवाची शब्द में है समान अर्थ है उसमें उन जो जिसका अर्थ आँख से मिलता है उसके ऊपर गोला करना है, है ना, मतलब रंग भर देना है उस गोले में। आँख का मतलब लक्ष्य नहीं होता, नयन होता है, नयन माने आँख, तो उसको गोला कर दिया, रंग भर दिया। इसी तरह जमीन को धरती बोलते हैं, खुश को प्रसन्न बोलते हैं, और दिवस को दिन बोलते हैं, ना दिनकर बोलते हैं ना दिया बोलते हैं, तो ये भी आपको भर देना है, ये खाली स्थान भरना। इस तरह से पूरा आपको पढ़ना है पार्ट 1 से लेकर के 4 तक सुनहरी दूध, सुनहरी दूध। और पार्ट 3 में देखो ये शब्दार्थ पूरे याद कर लेना, थोड़े थोड़े से तो शब्दार्थ हैं, 4-4, 5-5 शब्दार्थ हैं, याद कर लेना, लर्न कर लेना। और ये सही विकल्प पूरे, जब पाठ की रीडिंग करोगे तो सही विकल्प है, क्वेश्चन आंसर हैं, ये अपने से तुम लोगों से बन जाएंगे, ये विकल्प बन गए हैं, ये विकल्प याद कर लेना है।
पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए, पाठ की रीडिंग करोगे तो समझ में आएगा ना। मीनू के लिए गुड़िया लाए और चिंकू के लिए हवाई जहाज लाए। ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर लेना है, हैं। और उसके बाद ये मैच द पेयर, हाँ, जो जिस जब आप रीडिंग करेंगे तो पाठ से समझ में आ जाएगा। ये इन वाक्यों को दोबारा लिखो, ये नहीं करने की ज़रूरत है, हैं। उसके बाद अब क्या है, किसकी जगह पर अंग मतलब अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी लगेगी, पंकज मंगल माँ में लगेगी, पहले वाले पहले पहले अक्षर में बिंदी लगेगी, ठीक है। अब और आखिरी पाठ एक और है, तो पाठ चार ही आएगा, पाठ चार तक आपको सुनहरी रूप में आएगा। तो ये कविता ये भी पढ़ लेना है, याद कर लेना है इसकी भी, और इसके फिर शब्दार्थ लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कविता में किस ऋतु के बारे में, तो ये प्रश्न उत्तर है। कविता के मैं वर्षा ऋषु के बारे में बताया गया है, मेंढक क्या कर रहे हैं, मेंढक टर टर गीत सुना रहे हैं, आप बारिश होने पर क्या करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, पानी में भीगते हैं, नहाते हैं, कागज़ की नाव बनाकर तैराते हैं, है ना। अब इसी तरह से ये है, शब्दों को जोड़ कर लिखना या इनको विस्तृत रूप से, या तो ऐसे आ जाएंगे, ये कोई शब्द दे दिया जाएगा उसको इस तरह से विस्तृत रूप में लिखना है। बी जे सब सिखा दिया ना आप लोगों को, हाँ, बी ज ली बा में ई की मार, बा प्लस ई बी ज प्लस आ जा ला प्लस ई ली बिजली, ठीक है। इस तरह से ये करना है, इस जोड़ लेना। और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि ये इधर वाला उधर दे सकते हैं, बा ई ल आ ल ई ऐसे लिख दिया जाएगा, इसको जोड़ करके आप लोगों को लिखना है, ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है ना। तो दोनों तरह का हमने आपको सिखाया है, तो आपको ये लिखना है, जोड़ करके लिखना है और विस्तार से भी लिखना है, दोनों तरह से करना है। और इनके क्वेश्चन आंसर बस यही पार्ट चार तक आएगा, पार्ट चार तक आपको आएगा, खाली स्थान, सही गलत, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, ये आएगा आपका। और एक आपको अपठित अपठित बोध आता था ना, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आता था ना परीक्षा में, तो वो अपठित पद्यांश इस तरह से दिया रखा रहेगा आपको, और उसको आपको जैसे आप मान लो यही ले लिया, ये वर्षा रानी वाला पाठ है ना, ये इसमें लिखा है, मान लो पहला ही वाला वो ले लिया अपन ने, ये पहला कि रिम झिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, झम झमा झम झम कर बरसे, इतना ये आ गया। तो इसमें से आपको पूछा जाएगा, इसमें से प्रश्न बना के पूछा जाएगा कि पानी कैसे बरसा, तो कैसे लिखेंगे बताएंगे आप लोग कि रिम झिम बरसा पानी, इसी में से प्रश्न बनाए जाएंगे। पानी बरसने से कौन आ गया, तो क्या लिखोगे आप लोग, वर्षा रानी, पानी बरसने से वर्षा रानी आ गई। कैसे बादल गरजे, काले काले बादल गरजे, बादल कैसे बरसे, जम जमा कर जमकर बरसे, बिजली कैसे चमक रही है, चम चम बिजली चमक रही है, चारों ओर क्या फैला हुआ है, हरियाली फैली हुई है। इस तरह से कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी उसी पद्यांश में से, तो आप लोगों को वो प्रश्न वो उत्तर लिखना है, प्रश्न उत्तर है। अभी हम एक दिखाते हैं आपको, इसमें जैसे है यही है, तो इस तरह से आपको अपठित पद्यांश कहीं से भी किसी भी कविता की आपको चार लाइनें आठ लाइनें आ जाएंगी और उसमें से प्रश्न दे दिए जाएंगे, तो आपको ये सॉल्व करना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये हो गया आपका सुनहरी दूध का। और व्याकरण में क्या होगा, व्याकरण में आप लोगों को
कितने पार्ट से कितने पार्ट तक आएगा, व्याकरण देखते हैं आपकी कितने पार्ट से कितने पार्ट तक आएगा। व्याकरण पाठ एक से आपको व्याकरण पाठ एक से लेकर के छः तक आएगा लगता है। तो देखो ये पहला पाठ तो भाषा का है, लिखना ये भाषा के दो उदाहरण, भाषा कौन कौन सी होती है, भाषा किसे कहते हैं, हैं हैं पशु किसे कहते हैं, भाषा जो हम जिसको द्वारा हम विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। अब भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मौखिक और लिखित, है ना। इस तरह से प्रश्न उत्तर आपके इसमें भी आ जाएंगे इसमें व्याकरण में, ठीक है। अब और क्या है, ये सही जोड़ी भी आती, ये भाषा के कितने रूप हैं, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस तरह से कोई प्रश्न उत्तर आ सकते हैं भाषा में। ये मैच द पेयर आ सकता है, मैच द पेयर, इनको ये आप जब पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे जब पाठ की, तो इसमें महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब है और क्या आएगा व्याकरण में, यह संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपका तीसरा पाठ है ना, भाषा है, और पाठ तीन वर्ण और वर्णमाला है पाठ दो। वर्णमाला का खा गा गा आई ई, ये तो जानते ही ना आप लोग, का खा गा ये स्वर हैं, ये स्वर हैं और ये व्यंजन है, ठीक है ना। तो इन ये स्वर व्यंजन हुए, उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग और आगत स्वर कहा जाता है इन्हें, ये एक चौथा। तो ये आपको ये सब बता दिए गए हैं, इसके बाद इनमें से प्रश्न उत्तर आएंगे। ड़ा और अंगा और ड़ा, सड़क और पढ़ना, ड़ा और ड़ा इनका स्पष्ट उच्चारण करना है ना। और उसके बाद ये सही या गलत, जब ये पूरा पाठ पढ़ेंगे तो सही या गलत लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सही या वर्णों का क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है, सही। काका गागन का खा का घा ना खा गा वर्णों का सही क्रम है, गलत। क्या सही क्रम है, का खा गा घा, है ना। रगड़ शब्द में ढा का प्रयोग होता है नहीं, किसका होता प्रयोग, ढा का। तो रगड़ शब्द में ढा का नहीं, ढा का प्रयोग होता है, ठीक है। सही विकल्प तो आपको सबके पढ़ना है, इसके भी पढ़ना है उसके भी पढ़ना है, और इन्हीं में से खाली स्थान भी आ सकता है, इन्हीं उसमें से वर्ण व्याकरण में से ही खाली स्थान, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो चाहे खाली स्थान आए चाहे प्रश्न उत्तर आए आप लोग कर ही सकते हैं। मात्रा का ज्ञान, ये मात्रा की पूरी शीट आपको तैयार कराई थी पूरी, है ना, ये बढ़िया की मात्रा है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो ये अच्छे से देख लेना है। काम में बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, की बनेगा, काम में आओ की मात्रा लगेगी तो काओ बनेगा, है ना, ये पूरी मात्रा शीट कर लेना है। और ये शब्द जोड़ कर लिखना है, शेर, गाजर, पपीता, कुछ भी आ सकता है, केवल जोड़ जोड़ के शब्द लिखना है तो बन, और सही मात्रा भी लगाना है, मात्रा भी लगा करके आप जैसे क प्लस या प्लस ला, तो सही मात्रा भी लगाना है इसमें, तो कयल तो कुछ नहीं होता। का में क्या करेंगे हम, का में ओ की मात्रा लगाएंगे, को य ल, कोयल, ठीक है ना। हाथी, पपीता, ठीक है ना, गिलहरी, बुलबुल, इस तरह से पशु पक्षी किसी का भी नाम बन सकता है, लेकिन सही मात्रा लगा करके इनको जोड़ करके फिर शब्द बनाना है, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है ना, तो तरीका आपको आ जाएगा तो फिर कोई टेंशन ही वाली बात नहीं है, है ना। और ये देखो मात्रा कहलाती, सही विकल्प,
स्वरों की ध्वनि, व्यंजनों की ध्वनि इनमें से कोई नहीं। मात्रा क्या कहलाती है? स्वरों की ध्वनि है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? छोटे आ की नहीं होती। अनुनासिक का चिन्ह है ये दूसरा खा वाला चंद्रबिंदु। और रा में ऊ की मात्रा का सही रूप कहाँ पर है? ये गा वाला रू, बड़े ऊ की मात्रा रू, ठीक है ना। रा में मात्राएं बीच में लगती, नीचे नहीं लगती। इस तरह से ये हो गया। अब चौथा एक पाठ आएगा और आपका, नहीं छह पाठ तक आएगा आपका व्याकरण में। तो एक आएगा ये वाला संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जानते हो ना, क्ष त्र ज्ञा और वो श्रा, ये आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। दो शब्द दो वर्णों से मिलकर बना है ना, का प्लस शा। और आ तो लगता है ये सब में, तो का और शा मिलकर के बना क्ष, ता और रा मिलकर बना त्र, और ज्ञा और ज्ञा मिलकर बना ज्ञा, और श और रा मिलके बना श्र, है ना। श त्र ज्ञा और श्र, इस तरह से ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, फिर संयुक्ताक्षर हैं, इनको अच्छे से ध्यान से। ये संयुक्ताक्षर क्या है? का मात्रा लगा ला के इसमें है, चा त या है, तो ये स्वर सहित और स्वर रहित ये व्यंजन है। और फिर इनको, इन दोनों को मिला करके संयुक्ताक्षर बने, फिर इनके एक शब्द लिखना है। इसी तरह से ये बना, ये संयुक्ताक्षर से शब्द निर्माण करना है। आधा चा और चा से कच्चा बच्चा है, आधा स्ता और उस्ता और ता से अस्त व्यस्त पस्त, है ना। इस तरह से संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाना है ना। ये हो गए। अब क्या है और कौन सा पाठ आएगा आपका? संज्ञा। संज्ञा तो आपको बताया था, पढ़ाया था ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? इनके ये संज्ञा किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भाषा थी, ये परिभाषा थी। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, रामायण, हिमालय पर्वत। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पूरी जाति की पहचान कराए, जैसे वृक्ष, पेड़, शेर, पर्वत, ये पूरी जाति की। इसे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के प्रकार हुए। अब बस हो गया, ये प्रश्न उत्तर ये होंगे। और सही विकल्प इसमें से भी आ सकता है, सही विकल्प इनमें से भी आएंगे। प्रत्येक के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कौन सा संज्ञा शब्द किसी एक की विशेष पहचान बताते हैं? कौन से विशेष संज्ञा शब्द किसी एक की विशेष पहचान बताते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द। कौन से संज्ञा शब्द केवल भावों का ज्ञान करवाते हैं? भाववाचक संज्ञा। खाली स्थान भरना, हमारा देश भारत महान है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के उत्तर दिशा में बड़े बड़े पहाड़ और दक्षिण में विशाल नदियां हैं। ये खाली स्थान, ठीक है, ये आएगा आपका। उसके बाद गिनती, हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती आपको बताई है ना, जो इसको हिंदी में भी लिखना है और गणित मतलब अंकों में लिखना है। पहले 1, 2, 3 आएगी परीक्षा में, तो उसको आपको हिंदी अंकों व शब्दों में लिखो। ऐसे भी आ गया तो क्या अंक कौन से हैं? गणित में लिखना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और शब्दों में क्या होता है? हिंदी में लिखेंगे 1, 2, दा में ओ की मात्रा 2, ता में ई की बात, ता में बड़ी ई की मात्रा 3, 3, इस तरह से शब्दों में लिखना। तो शब्दों अंकों में हिंदी की गिनतियाँ भी आएंगी। बस यहीं तक आएगा आपके, तो इतना आपको पूरी तैयारी करना है। पाठ 6 तक ये आएगा व्याकरण, और पाठ 4 तक हिंदी सुनहरी धूप आएगा, ठीक है।
तो ये आपका अब कोर्स हो गया पूरा। अब इसका एक बार हम रिवीजन टेस्ट लेंगे, कहीं से भी लेंगे, आपको इतना पूरा पढ़ा दिया तो ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हम रिवीजन टेस्ट आपका नेक्स्ट टाइम में लेंगे, अभी आपको आज तो हम आपको ये पढ़ा दिए हैं, अब आपको रिवीजन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आप पठित पद्यांश भी ज़रूर याद से पढ़ लेना, ओके बाय।